अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रो पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे लिए बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा बिटकॉइन बैनिंग इन इंडिया, ठीक है, जो कि काफ़ी वायरल टॉपिक है। मेरा मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा है। अगर मैं व्हाट्सअप खोल के देखूँ तो मुझे बस वही मैसेज दिखाई दे रहे हैं, मेल में कंटिन्यूएशन में वही मेल आ रहे हैं मुझे लगातार कि सर अगर बिटकॉइन इंडिया में बैन होता है तो हमने क्या करना है, क्या हमको करना होगा, हम पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड ईयर रहेगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या बिटकॉइन प्राइस के बारे में, ठीक है। फिलहाल बिटकॉइन जो फॉल हो रहा है, जो गिर रहा है, वो कितना गिरेगा और उसके बाद अब कितना जाने के चांसेस है, तो ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये कोई न्यूज़ के तरह मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि भाई ये न्यूज़ चलो तो इतना प्राइस होगा, नहीं, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट रीजन दूंगा कि बिटकॉइन प्राइस क्यों गिर रहा है, कितना गिरेगा, परफेक्ट रीजन के साथ बताऊंगा कि अब कितना जाएगा। सो अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा टॉपिक पर जाने से पहले, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज और बहुत सारे कॉइन का एनालिसिस मिलता है। और साथ में फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, हमने टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज भी स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा सीरीज को देख सकते हो, जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। सो और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हूं, जहाँ पर आपको फ्री में सिग्नल शेयर किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के प्रॉफिट की, तो ऑलमोस्ट हमने 495% प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है, तो उसका आप एंजॉयमेंट फ्री में ले सकते हो। बस नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर लिंक मिलेगा, आपको बस उसको ज्वाइन कर लेना है। सो मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली, और बिटकॉइन बैनिंग का तो इतना ही समझ लीजिएगा, इसका बिटकॉइन बैन नहीं हो रहा है, बिटकॉइन डीलर्स को बैनिंग किया जा रहा है, मतलब ज़ेप्पे, यूनोकॉइन, ये जो डीलर्स है या जो भी और डीलर्स जो ओपन तरीके से वर्क कर रहे थे फिलहाल, उनको बैन किया जा रहा है। इतना याद रखिएगा, इस बिटकॉइन बैन नहीं हो रहा, डीलर्स बैन हो रहा, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इतना फर्क पड़ सकता है हमको कि फिलहाल हम जो ज़ेप्पे के जरिए डायरेक्ट सेल करके इंडियन करेंसी में पैसा ले रहे थे, फिलहाल उसमें थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है, लेकिन ज़ेप्पे ने भी अपना ऑफिस कहीं और पर सेटल किया, अपना हेडक्वार्टर को कोई और कंट्री में सेटअप कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये चीज़ बैंड भी होता है तो आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेजा से हम इंडियन करेंसी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसा, तो सिंपल सा फ्रेंड्स, आपको आपका बिटकॉइन पेजा में ट्रांसफ़र करना है और पेजा में आप आपका पैसा कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए, अगर कोई चीज़ रुक जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि टोटली उस चीज़ को हम बंद कर देंगे, ठीक है। एक सिर्फ डीलर्स को बैन किया जा रहा है, लेकिन विड्रॉल के अगर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर अगर आप किसी को पर्सनल को डायरेक्ट भी सेलिंग करना चाहो तो डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से सेफ्टी के लिए पेजा बेस्ट है। और किसी को नहीं पता चलता है कि पेजा से हम बिटकॉइन विड्रॉल कर रहे हैं यूएस डॉलर, क्योंकि पहले हम जब पेजा में देंगे पैसा तो हमारा पैसा पहले यूएसडीटी यूएस डॉलर में होगा और उसके बाद फिर हम इंडियन करेंसी में इसको विड्रॉल कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ भी रहेगा और गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलने वाला है। सो ये तो बात हो चुकी है, काफ़ी शॉर्ट है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि मेन जो वीडियो का टॉपिक है वो सिर्फ बिटकॉइन प्राइस को लेकर है और अभी उस पर डायरेक्टली हम मूव करते हैं। तो बस इतना याद रखिए, ज़ेप्पे, यूनोकॉइन, इस तरह के जो डीलर्स है वो बैन हो रहा है, बिटकॉइन नहीं, क्योंकि बिटकॉइन को कोई बैन नहीं कर सकते, और सबको बता चुका हूँ ये डिसेंट्रलाइज है, ये पब्लिक हैंडओवर में दिया हुआ है, तो उसको कोई भी बैन नहीं कर सकते। जब तक पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन चलता रहेगा, अगर पब्लिक ही एक्सेप्ट करना बंद कर दे तो हम सोच सकते हैं कि यस बिटकॉइन विल बी स्टॉप, बट पब्लिक एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। सो अभी हम डायरेक्टली मूव करेंगे फ्रेंड्स, जो मेन टॉपिक है वीडियो का वो है बिटकॉइन प्राइस, मतलब आज से अभी कितना प्राइस डाउन आएगा, कितना प्राइस अप जाएगा, मैं दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक चीज़ याद रखिए गाइस, ये मैं अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता रहा, जो प्रीवियस हिस्ट्री है बिटकॉइन का, जो हिस्ट्री प्राइस था पिछला, जिस तरह का उसने पिछले लास्ट टाइम मूवमेंट किया था और उसी तरह अभी वो मूवमेंट दिख रहा है, तो उसी चीज़ पर मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मैंने बोल दिया और वो होना ही है, आसपास नियर भी कुछ ना कुछ प्राइस हो सकता है, लेकिन ये एनालिसिस किया हुआ है और ये कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बस किसी ने बताया तो हाँ उतना प्राइस होगा, ठीक है, मैं आपको फुल प्रूफ के साथ बताऊँगा। सो अभी डायरेक्टली हम मूव करते हैं चार्ट के ऊपर, यहाँ पर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चार्ट ले लेंगे, ऑलमोस्ट 1 डे का चार्ट में हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मैंने एक्चुअल में इस चीज़ को 3 डिफरेंट साइकिल में डिवाइड किया, मेरे ओर से जितना हो सका है मैंने उसको अपनी ओर से समझने के लिए उसको डिवाइड किया, ताकि एग्जैक्टली मुझे वो समझ में आएगा और आपको मैं समझा पाऊँ कि बिटकॉइन प्राइस कितना आ सकता है। मैंने इसको 3 साइकिल में डिवाइड किया। अगर मैं पहले साइकिल की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 19 अप्रैल 2017 का पहला साइकिल है यहाँ पर हमारे पास, जो कि 19 अप्रैल जस्ट अ मोमेंट
ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो 19 अप्रैल 2017 का हमारा पहला सेशन मैंने इसमें मेंशन किया, क्योंकि जब प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अपवर्ड जाने की तरह पर, तो वो 19 अप्रैल 2017 को हुआ था। और अगर इसके बाद की प्राइस मैं देखता तो ऑलमोस्ट अब एक अप ट्रेंड मूवमेंट की तरफ यहाँ से प्राइस जा रहा है। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, यह परफेक्ट है। यहाँ पर आप जैसे कि चेक कर रहे हैं ऑलमोस्ट 19 अप्रैल यहाँ पर है, या 19-20 अप्रैल इस टाइम का अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट $1,035 नियर भी था, या 1,035 डॉलर के नियर भी था। उसके बाद बिटकॉइन प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, इतना याद रखिए, अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट जून के मिड में इसने एक न्यू ATH बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ, या ऑलमोस्ट हम 2 मंथ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने अगर मैं बात करता हूँ तो एक ATH रेडी किया था ऑलमोस्ट 11 जून 2017 को, और उस टाइम जो प्राइस था ऑलमोस्ट नियरली 2,919 डॉलर था। अभी हमको ये देखना है कि जिस टाइम से प्राइस मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके लेकर न्यू ATH तक कितना परसेंटेज ग्रो किया। ऑलमोस्ट अगर मैं देखता हूँ तो 1,200 डॉलर, यानी $1,200 से लेकर अगर ऑलमोस्ट मैं चेक कर रहा हूँ न्यू ATH बना, तो 2,000 करीबन $3,000 तक अब गया है। तो इट ऑलमोस्ट 1,200 to 300 मीन्स ऑलमोस्ट 150% मे बी नियरली। ठीक है, मतलब इन 2.5 महीनों में या इन 2 महीनों में बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 157 नहीं हो रहा है, क्योंकि 1,200 × 2, 299, तो 150 समथिंग, या 152-153% हो रहा है। आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो, मैंने कैलकुलेशन किया तो ऑलमोस्ट 150 से 153% अप गया है इन 2 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद ऑल ATH बनाने के बाद बिटकॉइन एक एज इट इज डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो जून से लेकर जुलाई, या मे बी या परफेक्ट जून से 11 जून को हाई बनाया, 16 जुलाई को लो बनाया, ऑल टाइम लो की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल टाइम लो की नहीं, पर्टिकुलर मंथ की लो की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट $1,027 का लो बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 35-36% मे बी नियरली। ठीक है, क्योंकि 3,000 से 1,800-1,900, तो 35-36% में भी हो रहा है अगर मेरा पिछला कैलकुलेशन याद है तो। ठीक है, मतलब बिटकॉइन ने इसके मूवमेंट से 157% अप लिया था 2 मंथ में, और विद इन 1 मंथ में बिटकॉइन 36% या नियरली 36% डाउन आया है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन ने फिर से एक मूवमेंट लिया था उसके बाद से, और कंटिन्यूएशन में एक न्यू ATH रेडी किया था ऑलमोस्ट 4,919 का मे बी, या यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट 4,000। मैं आपको कोई हवा वाली बात नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट में प्राइस है वही चीज़ आपको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 4,921 का न्यू ATH रेडी किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यस अप्रैल है, या 1,9 2017। ठीक है, इट्स नॉट अप्रैल, सॉरी, इट्स अ सेप्टेम्बर, ऑलमोस्ट 1 सेप्टेम्बर को उसने फिर से न्यू ATH रेडी किया, मतलब ऑलमोस्ट डाउन आने के बाद, यानी मिड ऑफ जुलाई टिल द 1 सेप्टेम्बर, ऑलमोस्ट जुलाई से अगस्त 1 मंथ, एंड 1 सेप्टेम्बर इज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, या नियर बी, या इट मे बी, सो 1.5 मंथ में उसने फिर से एक न्यू ATH रेडी किया था। और इस टाइम जो प्राइस था उसका लास्ट टाइम का 1,900 जो मार्केट गिरा था, मतलब $1,900 से लेकर फिर से मार्केट अब गया था नियरली 4,900 डॉलर तक। उसके बाद अगर मैं इस प्राइस कैलकुलेशन की बात करूँ कि कितना परसेंट अप गया था, तो इट मे गो ऑलमोस्ट 157% अप। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बीच में चेंजेस है 157% है, लास्ट टाइम 150 से 153%, अगर मैं इस कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 157% अप गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा मार्केट डाउन आया है, अगर मैं 1 सितंबर से लेकर बात कर रहा हूँ, डाउन कब तक आया है तो 14 सितंबर, मतलब 14 ही दिन में मार्केट दोबारा डाउन हुआ था ऑलमोस्ट 3,229, मतलब 4,009, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 नहीं कह सकते उसको, क्योंकि 4,900 ड�लर से लेकर 3,200 डॉलर, तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट 34 से 35% डाउन है, 4,992 3,022, ऑलमोस्ट, या इट ऑलमोस्ट 35% डाउन। 2 साइकिल याद रखिए, इसके पहले के जो 2 साइकिल था उसमें भी ऑलमोस्ट 36% डाउन था, अभी के साइकिल में 35 point something% डाउन है, और प्राइस का फ्लक्चुएशन, टेक प्रॉफिट जो बिल्कुल सिमिलैरिटी में जा रहा है, मतलब 157 153% एकदम सिमिलर प्राइस है,
और फिर से यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट जो अब गया है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ का, तो $3,200 से जो अब गया था, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम, अगर मैं पर्टिकुलर चीज़ की बात करता हूँ, $7,035 का ऑल टाइम हाई बनाए। मैं शेडो को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो कैंडल स्टिक क्लोज हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 7,400 के आसपास न्यू ATH रेडी हुआ है, और जिस तरह लास्ट टाइम, ठीक है, और जिस टाइम लास्ट टाइम हुआ था कि ऑलमोस्ट न्यू ATH बनाने के बाद जिस तरह यहाँ पर मार्केट डाउन आ रहा है, न्यू ATH बनाने के बाद जिस तरह मार्केट यहाँ पर डाउन आ रहा है, पर्टिकुलर दो साइकिल में 35% मे भी आसपास, मतलब 32-36% तक डाउन आया है, और दो साइकिल में प्रॉफिट जो होता है 157% के नियरली हुआ है। अगर हम इस चीज़ को यही एस्टिमेट करते हैं तो शायद बिटकॉइन प्राइस जो यहाँ से गिर सकता है, टू मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है गाइस, इसको आप सिर्फ इतना समझिए कि बिटकॉइन प्राइस जो हो सकता है ऑलमोस्ट $5,300 से तक, या फिर उसके नीचे की अगर बात करूँ तो $4,800, ठीक है, मतलब मेरा जो लास्ट प्रेडिक्शन था उसके नियरली है, और प्राइस करेक्शन होता है गाइस, हमेशा प्रेडिक्शन लॉन्ग लाइफ के लिए वर्क नहीं करता। मेरा जो वो प्रेडिक्शन था वो पर्टिकुलर बिटकॉइन टाइम पीरियड के लिए था, इसका जो प्रेडिक्शन है वो पर्टिकुलर ईयर के लिए है, ठीक है, मतलब पिछला जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बिटकॉइन प्राइस इतना डाउन आएगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया था मैं, क्योंकि मैंने उस टाइम जो एनालिसिस किया था वो ऑल ओवर बिटकॉइन का किया था, मतलब जब से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, कितना ऑल टाइम हाई लो बना उस टाइम का था, लेकिन ये जो एनालिसिस है पर्टिकुलर ईयर का है, और उस चीज़ पर जो एनालिसिस जा रहा है, मुझे दो चीज़ सिमिलरिटी लगी इसमें कि दो साइकिल मैंने रेडी किया हो, वो दो साइकिल में जो प्रॉफिट इंक्रीजमेंट था वो 157 सेम था, मतलब 150 से लेकर 155 तक परसेंट अप एंड डाउन था, लेकिन एक सेम परसेंटेज हम कह सकते हैं। डाउन की बात करें दो साइकिल में भी ऑलमोस्ट 36% डाउन है, तो अगर मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस टाइम भी अगर ऑलमोस्ट 36% ना ही तो भी 30% भी अगर डाउन आने के चांसेस है, तो बिटकॉइन प्राइस अभी यहाँ से गिर सकते हैं ऑलमोस्ट $200 या $300 टू, अगर मैं लो की बात करूँ उससे लो की, तो $4,800, और यहाँ पर सपोर्ट भी बना है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर वन डे कैंडलस्टिक की बात करता हूँ, तो पहला जो सपोर्ट लेवल बना है यहाँ पर, अगर मैं यस प्रॉपरली चेक पा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट $5,500 का है, और सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करूँ स्विंग के साथ, तो $4,200 का, बट मुझे नहीं लगता इतना डाउन आने वाला है प्राइस, बट नियरली $4,800 तो $5,200 या $300 तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद का प्राइस क्या होगा गाइस, उसके बाद प्राइस डायरेक्टली अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ यही हिसाब से, क्या जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था जितना लो जाकर हाई गया है, तो ऑलमोस्ट 4,000 के बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 30% डाउन आता है, मतलब ऑलमोस्ट $5,000 आएगा, और उसके बाद अगर हम 157 लास्ट टाइम जो पहला साइकिल था हमारा 153% प्रॉफिट है, और सेकंड साइकिल जो अब गया था उसके अंदर 157%, बट अब एक कम प्राइस में रखूंगा, 150% का प्रॉफिट होता है, तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन का प्राइस जो इंक्रीज होगा $7,500, मतलब 5,000 × 7,500, इट ऑलमोस्ट नियर टू $12,500, तो इट मे बी इतना तो पक्का है कि भाई $10,000 तो क्रॉस करना है, ठीक है। अब उसका ऊपर नीचे प्राइस कितना होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि 10,000 प्राइस जो है वो क्रॉस करना ही है इस मार्केट को। तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट $10,000 प्राइस क्रॉस करना है, क्योंकि जो लास्ट कैलकुलेशन हुआ है वही डेटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो बार एक सिमिलरिटी तरीके से मार्केट अप एंड डाउन गया है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो लोग बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है, जो लोग बिटकॉइन लेकर बैठे हैं, तो अब वो अपने ऊपर डिसीजन है, क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मुझे $5,000 पे दोबारा परचेस करना है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार आपने तो ये बोला था, ये हो रहा है गाइस, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैं कोई भविष्यकार नहीं पहचानने वाला इंसान हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो प्रीवियस एनालिसिस रिपोर्ट है वही हिसाब से आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। तो इतना याद रखिए, डाउन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लास्ट साइकिल की तरह डाउन ट्रेंड है, ये भी लास्ट साइकिल की तरह डाउन ट्रेंड है, पर्टिकुलर वन डे का मतलब 1, 2, 3, 4 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड है, और मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 15 दिन या 20 दिन में मार्केट $5,000 तक टच करेगा, और उसके बाद जो अपवर्ड मूवमेंट लेगा वो $10,000 क्रॉस करने का उसका टारगेट रहेगा। बट एज अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ से भी शायद पिछली बार जिस तरह हुआ था उसी तरह अगर 150% या 153 वो जो भी परसेंट अगर क्रॉस करता है, तो हम बिटकॉइन को 12,000 या 11,000 के आसपास दे सकते हैं। लेकिन एक तो अश्योरिटी है, क्या बिटकॉइन $10,000 क्रॉस करने वाला है कुछ ही मंथ में, चाहे एक मंथ लेगा, दो मंथ लेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन कितना लेगा क्या लेगा नहीं पता है, बट एज पर दिस रिजल्ट, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट दो मंथ में किया था, तो अगर हम वही चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, 2.5 मंथ भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट नवंबर को हम कैलकुलेशन नहीं करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है शायद नवंबर तक डाउन आएगा, बट
दिसंबर जनवरी एंड द मिड ऑफ फरवरी तक प्राइस आपको 12,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये ऑल ओवर हिस्ट्री प्राइस था पिछले एक ईयर का बिटकॉइन का। मुझे सिमिलरिटी दो चीज लगी इसमें, एक तो भाई बिटकॉइन दो बार सेम परसेंटेज के साथ अप गया है, दो बार सेम परसेंटेज के साथ डाउन आया है, और थर्ड साइकिल में हमको यही नोटिस करना है कि क्या ये साइकिल रिपीट होता है या नहीं होता है। अब ये तो टाइम ही बताएगा, कोई भी इंसान अगर कोई प्रेडिक्शन दे रहा तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, ये सिर्फ उसका स्टडी होता है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। अगर आप सेल करना चाहो तो अपने रिस्क स्टडी पे करो। मैंने जो किया है मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने आपका अपना बिटकॉइन ऑलमोस्ट $6,000 पर ही, सॉरी 6,000 नहीं, ऑलमोस्ट प्राइस $7,200 था, तो मैंने मार्केट से सेल करके अपना करेंसी को चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे वेट कर रहा हूँ मैं वापस $5,000 का आने का, क्योंकि 5,000 डायरेक्ट 10,000 मतलब यहाँ पर हमारा अमाउंट डबल होगा। मतलब अगर कोई एक बिटकॉइन भी परचेस करता है तो दो बिटकॉइन की तरह उसको प्रॉफिट मिल सकता है उसके उसके पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी के हिसाब से। अब ये तो टाइम ही बताएगा क्या होने वाला है, बस हमको तो टाइम का वेट करना है और उसको देखना होगा। बट गाइस इतना नोट रखिए कि ये मेरा पर्टिकुलर एनालिसिस है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, तो मुझे बार बार मैसेज नहीं करना है कि सर अभी परचेस करूँ या अभी सेल करूँ, जो भी करना है अपने स्टडी के हिसाब से कर सकते हो। मैंने अपना स्टडी आपके सामने रखा हो कि मैं जो सीख रहा हूँ मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपके सामने रखा हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंजॉय किया है, वीडियो अगर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, और सभी से रिक्वेस्ट है ऑलमोस्ट जो भी मेंबर वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट कॉमेंट करके बताइए कि आपका क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है कितना प्राइस जाएगा लो या कितना हाई जाएगा, और शेयर तो करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि फ्री में कुछ सिखा रहा है तो एक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।